हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ छोला मसाला बनाने का तरीका, जिसको चना मसाला भी कहते हैं और छोला मसाला भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने धनिया ले लिया है, साबुत धनिया 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच से मैंने यूज़ किया है। 2 चम्मच धनिया लिया है और 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, और इसमें से मैं हाफ जीरा रोस्ट करूंगी और हाफ जीरा मैं कच्चा डालूंगी मसाले में। इससे छोला मसाले में अच्छा सा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच लिया है काली मिर्च, 1/2 चम्मच लिया अजवाइन, अनारदाना लिया है मैंने 1 चम्मच, ये हींग लिया है मैंने, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें। मैं इसमें से बहुत ही थोड़ा डालूंगी, 1/2 टीस्पून से भी कम। इस चम्मच से मैंने मसाले लिए हैं, इसमें कुछ पाउडर मसाले भी डाल लें, तो इन सारे मसालों को अब पहले रोस्ट कर लेंगे। पाउडर मसाले में मैंने लिया है सौंठ पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच, सर्विंग स्पून से नहीं लिया मैंने, ये हमने लिया है टेबल स्पून से लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च लिया है और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने काला नमक, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने आमचूर पाउडर, गरम मसाले में लिया है 6-7 लिया है बड़ी इलायची, 10-12 लौंग, 3-4 लिया है दालचीनी, 4-5 लिया है सूखी हुई लाल मिर्च और 3 तेज़पत्ता लिया है 2-3। लाल मिर्च को रोस्ट करने से छोले में अच्छी खुशबू आती है, तो इससे तीखापन इसी मिर्च से होगा, लेकिन इसको खुशबू के लिए डालेंगे। और मैंने पुदीना सुखा कर लिया है 1 बड़े चम्मच पुदीना के पत्ते, और मैंने लिया है कसूरी मेथी। सारे मसालों को रोस्ट कर लेंगे। जीरा में से मैंने 1/2 जीरा हटा लिया है और 1/2 जीरा मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, जैसे हम रोस्ट करते हैं उसी तरह रोस्ट करना है इसको। अब इसको निकाल लेंगे, उसी पैन में मैंने धनिया डाल दिया है, धनिया डालकर भी हल्का हल्का चला लेंगे। और अभी मैंने गैस बंद कर दिया था क्योंकि हमारा पैन गर्म था। काली मिर्च भी पैन गर्म है इसलिए हल्का हल्का चलाते रहेंगे। अजवाइन डाल दिया है, घर पर बने हुए छोले मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और सारे गरम मसाले मैं इसी में डाल दे रही हूँ और अब गैस बंद कर दे रही हूँ। गैस बंद करके धीरे धीरे इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से सारे मसाले क्रिस्पी हो जाएंगे और इसमें खुशबू भी अच्छी रहेगी। और मसाले कभी भी गैस का फ्लेम हाई या मीडियम करके ना भुने, लो करके ही भुने धीरे धीरे। ये जीरा भी डाल दे रही हूँ मैं इसमें, जो जीरा मैंने रोस्ट नहीं किया था उसको भी डाल दिया है, और पुदीना और कसूरी मेथी, इससे छोले में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अनारदाना, जो मसाले हमारे रह गए हैं सारे मसालों को उसमें डाल देंगे और उसको छोड़ देंगे, और ठंडा भी हो जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। और सारे पाउडर मसाले के साथ मिलाकर इसको पीस लेंगे, पहले हम इसको पीसेंगे बाद में सारे पाउडर मसाले भी इसमें डालकर पीस लेंगे। ये हमारा रोस्ट किया हुआ जीरा था, इसको भी डाल दिया है। और हींग ले लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून से मैंने लिया है, और हींग से भी छोले में अच्छी खुशबू आती है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इस मसालों को पीस लूँगी ठंडा करके, फिर इसको पीस लिया मैंने। और सारे पाउडर मसाले के साथ ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। ये घर पे बना हुआ छोला मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप इस छोले मसाले को इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये मसाला। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू।